जितनी दुनिया में मुसलमान नहीं मारे गए होंगे उतने जम्मू कश्मीर में मारे गए, और उनके जिम्मेदार कौन? फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद। हमने उनको बड़ा नेता बना दिया, लेकिन जड़ नहीं समझी। इन लोगों ने दहशत गर्दी जम्मू कश्मीर में फैलाई, इसलिए फैलाई कि हम सत्ता कर सकें, हम रूल कर सकें। इन्होंने कहीं किसी मुसलमान का भला नहीं सोचा। इलेक्शन हुई तो बोला कि तुम मेरा इस्लामिक भाई है, तू मेरा अपना मुसलमान भाई है। लेकिन मुसलमान भाई तब नजर आना चाहिए जब एक हमारी मुस्लिम बहन जो उस पीड़ा में तड़पती हुई पहाड़ से नीचे चारपाई पे लाई जाती है, उनके बचाव के लिए, उस शर्म को बचाने के लिए कोई इस तरह की डेवलपमेंट की होती, यहाँ सड़कें दी होती, यहाँ अस्पताल बनाए होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये मैं बहुत कम लोग हैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब, कि यहाँ से ये बात निकलनी चाहिए और उन लोगों में पहुँचनी चाहिए कि जिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनकी जो शिकार हुए हैं, उन लोगों ने ये समझा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये जो कहती है ये ठीक कहते हैं। उनका पूछो भाई, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर कौन था? 1988 से यहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई, चीफ मिनिस्टर कौन था? फारूक अब्दुल्ला। उसके दौरान ये मिलिटेंसी शुरू हुई, मरने वाले कौन? भाई साहब कौन लोग मरे? जमीन मुसलमान मरे ना, हिंदू बहुत कम मरे, जितना कहा गया ना, हिंदुओं से 75% मुसलमान ज़्यादा मारा गया। आप आंकड़े देखो। ये जरूरी है कि हिंदू माइग्रेंट बहुत हुए, कश्मीर से माइग्रेंट हुआ, पहाड़ों से माइग्रेंट हुआ, लेकिन अगर मारा गया है तो वो और मुसलमान को दोहरी मार लगती है।